चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजाइएगा। ये जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये दुनिया भर के अच्छे लोगों के बोले हुए कोट अनकोट यहाँ पर कोट करते हैं। कोट अनकोट तो बहुत अच्छे है क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोले हैं, वो उनका है कोट अनकोट। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना कानों में पहन देते हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो कोट अनकोट आप बोले गए हैं मान्यवर, वो सुसंगत हमारे शासन के लिए नहीं है। अन्याय के, मानव अधिकार के लिए जितनी भी सारे बातें होती है, हमारे शासन के लिए नहीं है। ये तीन परिवारों ने जो शासन किया उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में है उनके लिए सीमित नहीं है? जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है? इनके लिए नहीं है? जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है? जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे उनके मानव अधिकार नहीं है? क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से, कितना भी विरोध हो। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया? मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो? 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, याना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई, अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का, ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में, 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते हैं आप? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती, ये सरकार
देश के हित में फैसले करती है, ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। मान्यवर, कुल 4483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, ICDS पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है LG साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी दिया। देश में कहीं नहीं है, इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास कर रहे थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है, 70 साल तक नहीं हो सका था। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा।